में से एक जो है वो फ्रेंच मार्क्सिस्ट फिलोसोफर लुई अल्थुसर और उनके स्टूडेंट्स का एक कलोकियम था जिसको बाद में एक किताब के रूप में पब्लिश किया गया। मूलतः वो किताब का एक एडिटेड वर्जन मिलता है जो अल्थुसर और बालिबार जिसके ऑथर हैं, मतलब उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन था डिबेट में, वो उस एंथोलॉजी में समेटा गया है रीडिंग कैपिटल नाम से। लेकिन अब वो पूरा कलोकियम भी उपलब्ध है, छप गया है, हालांकि काफ़ी महंगा है, खरीदना उसको मुश्किल है, लेकिन पायरेटेड कॉपीज उपलब्ध हैं ऑनलाइन और पायरेसी करने में कोई दिक्कत नहीं। एंगल्स ने कहा था कि चोरी जो है वो विद्रोह का आदिमतम रूप है, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ पहला रेबेलियन चोरी के तौर पर ही होता है। तो इसलिए जिस समय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का भी इस किस्म का मोनोपोलाइजेशन कर लिया गया हो, उस समय libgen.net जिंदाबाद का नारा देने में कोई दिक्कत नहीं, या इस तरह की तमाम जो वेबसाइट। लेकिन हाँ, उस दौर में रीडिंग कैपिटल पब्लिश होती है अल्थुसर की। उसी दौर में रोमन रॉसडॉल्स्की की एक बहुत प्रसिद्ध रचना और बहुत बढ़िया किताब है द मेकिंग ऑफ मार्क्सिस कैपिटल, जिसमें कि मार्क्स की पूंजी को लिखने का पूरा इंटेलेक्चुअल प्रोसेस क्या रहा, मार्क्स किस तरीके से पूंजी उन्होंने लिखी, उसका इनिशियल प्लान क्या था, उसका बाद का प्लान क्या था, क्योंकि पूंजी का पूरा इनिशियल प्लान 6 volumes का था। सेकेंड प्लान 1860s में मार्क्स ने रिवाइज किया जो 4 volumes का आया, और बहुत सारे स्कॉलर्स का कहना है कि वो 4 volumes हमारे पास हैं, जिसमें से पहला वॉल्यूम खुद मार्क्स ने कंप्लीट किया, उसको एडिट किया, और बाकी जो 2 volumes हैं वो एंगल्स ने किए एडिट और कंपाइल, और चौथा वॉल्यूम जो है वो काउट्सकी ने बहुत बाद में कंपाइल किया, जो थियरीज ऑफ सरप्लस वैल्यू के 3 खंडों के तौर पर आज हमारे बीच में मौजूद है। तो ये दूसरा दौर था जिस समय काफ़ी एक्सपर्ट कैपिटल के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी जा रही थी, संकट था, लोग सोच रहे थे कि संकट क्या है, इसका समाधान क्या होना चाहिए। उस वक्त भी एक दौर था जब मार्क्स की पूंजी में काफ़ी एक दिलचस्पी अचानक तेज़ी से बढ़ी। उसके बाद का दौर 1980 के दशक का जो संकट था उसमें आता है, जिसमें एक नया स्कूल पैदा होता है कैपिटल के इंटरप्रिटेशन का, उसका नाम ही है न्यू इंटरप्रिटेशन स्कूल। न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ कैपिटल, जो नई व्याख्या, पूंजी की नई व्याख्या करके एक बाकायदा एक अलग टेंडेंसी पैदा हुई मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल इकोनॉमी की, जिसमें मुख्य तौर पर डुमेनल थे, जेरार्ड डुमेनल थे, डंकन फोली थे, इन लोगों ने उस समय किताबें लिखी कैपिटल के ऊपर। ये 1980 का दशक था। 1990 का दशक हालांकि जो उसका पहला हिस्सा है वो कैपिटलिस्ट ट्रायंफलिज्म का दौर था, क्योंकि सोवियत यूनियन का जो नेम से कैपिटलिज्म नाम मात्र का समाजवाद था वो कोलैप्स किया था, और उसके साथ दुनिया भर में इतिहास के अंत की घोषणाएं फ्रांसिस्को कोयामा ने की, एंड ऑफ हिस्ट्री ऑफ लास्ट मैन जो उनकी किताब आई उसमें, और एंड ऑफ आइडियोलॉजी, एंड ऑफ पोइट्री, तरह तरह की बातें की जा रही थी, और काफ़ी मतलब एक ग्लूम, एक बहुत ही कहा जाए कि एक पस्थिमति और निराशा का दौर था। लेकिन उस बीच भी कुछ लोगों ने कैपिटल पे अपना काम जारी रखा। उस बीच एक इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन मार्क्सिस्ट थ्योरी ISMT का एक आयोजन हुआ, जिसमें कि बहुत सारे लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूट किया। उसमें फ्रेड मोसले थे, क्रिस्टोफर ऑर्थर थे, जेयर्ड न्यूटन थे, रिचर्ड बेलियो फ्योरे थे, बहुत सारे इस तरह के पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने नई तरीके से पूंजी को पढ़ना, उसकी व्याख्या करना और समझने का एक प्रयास किया। और अब ये दौर है 2000 का संकट, जिसको अर्ली मिलेनियम का क्राइसिस बोला, फर्स्ट डेकेड ऑफ मिलेनियम का क्राइसिस बोला जा रहा है, जो कि जिसका सबसे कहा जाए कि ज़बरदस्त अभिव्यक्ति या प्रस्फुटन उसका, उसका एक विस्फोट, वो 2007-08 के संकट के साथ आता है, जब सब प्राइम क्राइसिस US इकोनॉमी में आता है, और उसके बाद पूरी दुनिया में अचानक बात होने लगती है कि भाई संकट, क्योंकि हर संकट के बाद जो बूम होता था उस समय जो बुर्जुआ एकेडेमिया होता था वो कि इस बार हमने ढूंढ लिया, इस बार हमने क्राइसिस का क्योर ढूंढ लिया है, अब क्राइसिस नहीं आएगी। और इस बार जो क्राइसिस आई तो उसके बाद एक सिनिसिज्म पूरे बुर्जुआ एकेडेमिया में। अब बुर्जुआ पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट भी ये बोलने में शर्माते हैं कि पूंजीवाद की अंतिम विजय हो चुकी, मतलब बहुत ही पॉलिटिकली ऑब्सीन स्टेटमेंट होगा एक ऐसी दुनिया में जब पैलेस्टीन, सीरिया, यूक्रेन, इन जगहों पे बार्बरिज्म की झलकियाँ मिल रही हैं, यहाँ तक कि स्वर्ग के तलहर में भी अंधेरा बढ़ता जा रहा है। अमेरिकन सोसाइटी जो वर्ल्ड कैपिटलिज्म का एक तरीके से सेंटर है, वहाँ पर भी बेरोजगारी की ऐसी दरें जो कि 1930 की मंदी के बाद सबसे भयंकर रूप में मौजूद है, और एक स्टैग्नेशन जिसको कहा जा रहा है कि स्टैग्नेशन इज द न्यू नॉर्मल, ये स्टैग्नेशन अब नया नॉर्मल है, कोई बूम नहीं आ रहा, एक मंद मंदी जारी है जो बीच बीच में सीरियस क्राइसिस में कोलैप्स करती है, उससे उबरते भी हैं तो स्टैग्नेशन तक ही पहुंच पाते हैं। तो एक ऐसे दौर में
किसी भी किस्म के कैपिटलिस्ट ट्रायंफलिज्म या वो जो हिस्टेरिक केटर वॉर था जो सीआरओ की तरह घुमा रहे थे सारे बूर्जुआ एकेडेमिया कि हम जीत गए, मार्क्सवाद का अंत हो गया, समाजवाद की मृत्यु हो गई, अब ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल हो गया। पूरी दुनिया में एंटी कैपिटलिस्ट मूवमेंट्स जिस तरीके से फैले हैं, चाहे वो स्पेन में इंडिग्नाडो या पोडेमोस का मूवमेंट हो, अभी ये बात छोड़ देते हैं कि ये मूवमेंट्स किस हद तक रेवोल्यूशनरी पोटेंशियल रखते हैं नहीं रखते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक स्पॉन्टेनियस एंटी कैपिटलिस्ट मूवमेंट्स का एक पूरा दौर चला है, एक स्वतः स्फूर्त पूंजीवाद विरोध की एक लहर चली है, चाहे वो कम्युनिस्ट हो या ना हो, वो रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट हो या ना हो, लेकिन पूंजीवाद विरोधी आंदोलनों की एक लहर चली है जो कहीं पर दक्षिणपंथी लोकतांत्रिकता के रूप में रही है, जैसे ट्रंप भी एंटी कैपिटलिस्ट डेमागोगरी का बहुत इस्तेमाल करता है, या फिर फिलीपींस का जो प्रेसिडेंट है दुतेर्ते, या एर्दोगान, या हमारे देश में मोदी, और दूसरी तरफ लेफ्ट पॉपुलिज्म की भी एक लहर चली है, जैसे कि सिरिज़ा ग्रीस में या पोडेमोस स्पेन में। तो ये दोनों ही पॉपुलिज्म इसलिए पैदा हो रहे हैं क्योंकि जो असली चीज़ पैदा होनी है वो हो नहीं पा रही। जैसा कि ग्राम्शी ने कहा था कि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जब पुराना मर रहा है और नया पैदा नहीं हो पा रहा है, और ये युग जो है मॉर्बिड सिम्टम्स का दौर होता है, पतनशील पतनोन्मुख लक्षणों का दौर होता है, और ऐसे दौर में हम जी रहे हैं। लेकिन अभी इसको छोड़ भी दिया जाए तो इतना तय है कि 2007-08 में जो आर्थिक संकट शुरू हुआ, जिसको अब कहा जा रहा है कि टर्मिनल क्राइसिस ऑफ कैपिटलिज्म है, मोस्ट स्ट्रक्चरल क्राइसिस ऑफ कैपिटलिज्म है, सिस्टेमिक क्राइसिस ऑफ कैपिटलिज्म है, और इसको बहुत सारे नाम दे रहे हैं, अलग अलग लोग अलग अलग नाम दे रहे हैं इसको। कुछ लोग इसको लॉन्ग डिप्रेशन बोल रहे हैं कि 1970 के दशक से कभी कोई तेजी आई ही नहीं, वगैरह वगैरह। ये दौर कई मामले में अनप्रेसिडेंटेड इसलिए है क्योंकि इतना ज़बरदस्त कहा जाए कि स्पर्ट कैपिटल और मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक थियरी में दिलचस्पी का पहले कभी देखा नहीं गया। इसका एक कारण ये भी है कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में जब पूंजी पूरी दुनिया के पोर पोर में समा चुकी है, तो अब कोई नॉन कैपिटलिस्ट पेरिफेरी नहीं बची है, अब कोई ऐसा गैर पूंजीवादी क्षेत्र नहीं बचा है, मूलतः कहीं कहीं बचा हुआ थोड़ा बहुत, वो बहुत एक्सेप्शनल आप वो कह सकते हैं, लेकिन मूलतः पूंजी ने पूरी दुनिया के पोर पोर को हेजेमोनाइज कर लिया। कैपिटल एक्युमुलेशन का जो हल्ले फुल्ले का लॉजिक है वो अब उसने कोई जगह छोड़ी नहीं, और अब कैपिटलिज्म प्रोडक्टिव फोर्सेस का डिस्ट्रक्शन करके, इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन करके, युद्ध पैदा करके, मनुष्यों के लिए भयंकर तबाही, बेरोजगारी और गरीबी पैदा करके ही टिका रह सकता है। और ये अगर कैपिटलिज्म करेगा तो जाहिर तौर पर वो रेवोल्यूशनरी इंटरवेंशन के भी बहुत सारे स्पेसिस पैदा करेगा, क्योंकि कैपिटलिज्म जब भी ऐसा करता है तो जन असंतोष बढ़ता है, युद्ध हमेशा एक कॉन्ट्रडिक्शन का कंजंक्शन पैदा करता है, और आज के दौर में कहा जा सकता है कि युद्ध इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन एक कॉन्ट्रडिक्शन का कंजंक्शन या अंतर्विरोधों का संधि बिंदु, यूँ कह सकते हैं कि जैसे कई अंतर्विरोध जो हैं उनका एक अलाइनमेंट बन जाता है, जैसे ग्रहों का अलाइनमेंट बन जाए, उस तरीके से कई अंतर्विरोधों का एक अलाइनमेंट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी कंजंक्शन ऑटोमेटिकली रेवोल्यूशन की तरफ नहीं ले जाता है। इसलिए ये सवाल पूछना कि मार्क्स ने कहा था क्रांति होगी, हुई क्यों नहीं, ये बहुत ही ए हिस्टोरिकल सवाल। क्रांति कोई ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है, ये बहुत ही सचेतन प्रक्रिया होती है जो इस बात पर निर्भर करती है कि क्रांति को नेतृत्व दे सकने वाली और क्रांतिकारी वर्गों की लामबंदी को नेतृत्व दे सकने वाली जो फिरावल शक्ति है, वैनगार्ड फोर्स है, वो ऑर्गेनाइज हो पा रही है। वो नहीं होगी तो हर क्राइसिस डुअल पोटेंशियल पैदा करता है, एक रिएक्शनरी पोटेंशियल और एक प्रोग्रेसिव पोटेंशियल। अगर प्रोग्रेसिव पोटेंशियल को वास्तविकता में तब्दील करने के लिए कोई क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी मौजूद नहीं है, तो यही पोटेंशियल एक रिएक्शनरी टर्न ले सकता है, जैसा कि हो भी रहा है। एक एनार्किस्ट लेफ्ट एनार्किस्ट थिंकर थे डेनियल गुएरिन, उन्होंने एक बार कहा था कि अगर हमने समाजवाद की घड़ी को बीत जाने दिया तो हमारी सज़ा होगी फांसीवाद। तो दुनिया भर के काफ़ी देशों की जनता अभी ये सज़ा झेल रही है, चाहे वो किसी न किसी किस्म का राइटिस्ट रिएक्शन इंक्लूडिंग फैशिस्ट रिएक्शन, क्योंकि हर राइटिस्ट रिएक्शन को फैशिज्म नहीं बोला जाना चाहिए, आमतौर पर यह एपिथेट बहुत केयरलेसली इस्तेमाल किया जाता है फैशिज्म। कोई भी अथॉरिटेटिव रेजिम ऑटोमेटिकली फैशिस्ट हो जाती, तो ट्रंप भी फैशिस्ट हो गया, दुतेर्ते भी फैशिस्ट हो गया, एर्दोगान भी फैशिस्ट हो गया, बर्लुस्कोनी भी फैशिस्ट हो गया, सब कोई फैशिस्ट हो गया, लेकिन फैशिज्म एक सोशल मूवमेंट है, और इसलिए कोई भी रिएक्शनरी रेजिम नेसेसरली फैशिज्म नहीं होती, हर राइट विंग रिएक्शन फैशिज्म नहीं होता है, लेकिन अभी हम उस चर्चा में नहीं जाते हैं। मूल बात यह है कि आज का दौर कैपिटल और मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक थियरी में इंटरेस्ट का एक कई मामले में अभूतपूर्व दौर है, एक अनप्रेसिडेंटेड दौर है। अब हम इस सवाल पर आ सकते हैं
कि कैपिटल आज हमेशा से ज्यादा रेलेवेंट क्यों? मुझे लगता है कि इसके मूल तौर पे चार कारण।